नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। और तीन लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ और अन्य विधानसभा का, बिहार में जो चुनाव हुआ ये श्रद्धांजलि और सहानुभूति की जीत, ये ना तो किसी विचारों की जीत है, ना तो ये दया की जीत है, भीख की जीत है, ये कंप्लीट रूप से श्रद्धांजलि, सहानुभूति और अररिया का चुनाव में पक्ष और सत्ता पक्ष के द्वारा, दोनों पार्टी के द्वारा उन्माद, एक तरफ मजहबी और धार्मिक उन्माद और दूसरे तरफ जातीय उन्माद फैलाएंगे। इसीलिए कुछ लोग अपने मियां मिठू बन रहे हैं, कांग्रेस को जिसके बदौलत विपक्ष आज देश में टिकी हुई है, फूलपुर और गोरखपुर में 18,000-19,000 वोट मिलता है, इसलिए मियां मिठू ना बन, विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग 41 वोट मात्र मिलता है जोगी के बूथ पर और 1700 वोट मिलता है सपा बसपा को, तो इसलिए दोनों आदमी ख्वाबी पलाव में ना रहे। मुझे लगता है कि दौर आ गया है, युग आ गया है, अब रामनवमी जो जो नजदीक आएगा त्यों त्यों दंगा का दौर शुरू होगा और जो जो राजनीति 2019 का पारा चढ़ेगा त्यों त्यों उन्माद इस देश में ये लोग पैदा करेंगे और उसका नमूना है अररिया का ये पाकिस्तान नारा। बगैर जांच के यदि कोई भी पदाधिकारी इस बात को कहता है कि वीडियो सही है, तब इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश से जांच की मांग करते हैं। यह उन्माद फैलाने का एक बड़ा ही माध्यम है और इसकी पूरी रिपोर्ट मैं आपको दिया हूं और गलत तरीके से जिसको जेल में बंद किया गया है उसको छोड़ने की मांग करता हूं और तरह तरह के वीडियो वायरल करके आप प्रदेश को दंगा में उन्माद में जो झोंकना चाहते हैं वो बिल्कुल जन अधिकार पार्टी इसका कंडेम करती है और पुरजोर विरोध करेगी। दूसरी चीज, दरोगा की पिटाई डेली, सरकार मस्त विपक्ष पस्त, बिहार विधानसभा में बाप बेटे की राजनीति चल रही है कि मुझको फंसाया जा रहा है, दरोगा को पिटाया जा रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, मकई के खेत में भुट्टा में दाना नहीं है, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। कल गवर्नर हाउस मार्च करेंगे हम लोग, हाईकोर्ट जाएंगे मंगलवार को, दरोगा में जो घोटाले हुए हैं, क्वेश्चन लीक आउट हुआ है और एसएससी में जो लीक आउट हुआ, इस दोनों लड़ाई को हम लोग मुकाम पर पहुंचाएंगे, जरूरत होगी तो बिहार भी बंद करेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष अभी तक एक दिन भी विधानसभा में इस पर चर्चा नहीं की, न पक्ष और सत्ता पक्ष के कुकर्मों के, किसान विरोधी, युवा विरोधी, छात्र विरोधी और बिहार विरोधी क्रियाकलाप के खिलाफ बिहार में व्यापक जन आंदोलन छेड़ेगी, जिसमें सभी तरह के बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, दरोगा के घोटाले से लेकर एजुकेशन और किसान के मुद्दे से लेकर अपराध,
के मुद्दे पर दोनों जिम्मेदारी को नहीं निर्वहन कर रही है, इसलिए हम आंदोलन की रूपरेखा में जाएंगे। यही निर्णय अभी हमारी पार्टी ने दिया है, इसीलिए पक्ष और सत्ता पक्ष ख्वाबी पुलाव मत पकाए, प्रतिवादी हो गया है। इसीलिए जो देश और बिहार का जो परिदृश्य है, यूपीए और एनडीए के बीच में जो गठबंधन का दौर, कोई इधर कोई उधर, मुझे लगता है 6 महीने के अंदर तीसरा फ्रंट भी बिहार में बनेगा। जो सामने में दिखने को मिलेगी, लेकिन जन अधिकार पार्टी ने निर्णय लिया है हर परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हमारी पार्टी एक वैकल्पिक विकल्प देगी बिहार को, जो यूपी और एनडीए से बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में आज से 2 सप्ताह के अंदर हम लोगों ने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर पूरे बिहार के 242 विधानसभा और 40 लोकसभा जो भी उम्मीदवार विकल्प के रूप में हमारी पार्टी को साथ आकर के बिहार को बचाने के लिए आगे आएगी, उसको हम अभी से ही संगठनात्मक ढांचे के साथ 242 में विकल्प की तैयारी शुरू करें। इसीलिए 2 सप्ताह के अंदर मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से जो भी 243 विधानसभा का जो हमें एप्लीकेशन मिलेगा, 40 लोकसभा, उसी पर हम लोग बिहार को विकल्प देंगे। यह निर्णय पार्टी के पदाधिकारी और कोर कमेटी के बैठक के बाद लिया गया। इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ और प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को छोड़ बिहार प्रदेश की राजकार्यकारिणी और जिला कमेटी को पूरी तरह भंग कर दी। तीन सप्ताह के अंदर, 2 सप्ताह में हम लोगों से बायोडाटा और एप्लीकेशन लेंगे, जो मेरे संगठन में आकर के काम करना चाहेगा, और उसकी उम्र 23 साल से 45 साल के अंदर हम लोगों ने रखी। 23 साल से 45 साल के अंदर जो भी संगठन और चुनाव के लिए आएंगे, हम अभी से 2020, 2019 और 2025 की तैयारी की शुरुआत करें। हम जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के, उन्माद से ऊपर उठ करके विकल्प देंगे। हम छात्र, युवा, गरीब और किसानों के बदौलत इस विकल्प को खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। अररिया में भी हम जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके सेवा के बदौलत एक विकल्प देने की बात की थी, लेकिन धार्मिक और मजहबी उन्माद और दोनों पार्टी के नेताओं का गलत बयानबाजी और मेरा एक्सीडेंट होना, हम तीसरे विकल्प के रूप में खड़े तो हुए, लेकिन मजबूत विकल्प के रूप में जनता ने अभी हमें नहीं चुनी। हम जनता को श्रद्धांजलि और सहानुभूति के आशीर्वाद देने के लिए बधाई देते हैं और नए सिरे से विकल्प को देने के लिए जनता के बीच जाने का संकल्प लेते हैं। विरोध के बावजूद
नहीं रोकना चुनाव की प्रक्रिया को या सरकार के पक्ष में दिखता है। उस तरह गंगा देवी में एबीपी ने जबरदस्ती और बीडी कॉलेज में आरजेडी का कोई मतलब नहीं था, द्वारिका में जबरदस्ती उन्होंने हमारी पार्टी कॉमर्स कॉलेज में अध्यक्ष सहित बॉक्सर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, काउंसलर सहित हमारे बीडी कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष, काउंसलर, टीपीएस के काउंसलर, अध्यक्ष सहित हम लोग बड़े बड़े पैमानों पर जहानाबाद का सातों, जगजीवन कॉलेज के पांच, गया यूनिवर्सिटी का तीन काउंसलर, इस तरह 50 टोटल काउंसलर 50 हम लोग मगध यूनिवर्सिटी में जीते हैं। लगभग कॉलेज पर जन अधिकार पार्टी छात्र इकाई ने अपना कब्जा जमाया है, यह एक शुरुआत है, 2020 अभी बाकी है।